सो ही गाइस वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। ये वीडियो इस टाइप का मेरे को बनाने का से कोई शौक तो नहीं था आज, लेकिन भैया आज जो हुआ है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इसके बाद तो ये वीडियो मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस चीज़ को लेकर बनाना बहुत ज़रूरी है मेरे फैंस के लिए। तो मैं सोचा कि चलो इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन किया जाए। बाकी यहाँ पर थोड़ा सा कुछ लोग कुछ बोल रहे थे, रुको रुको निकालता हूँ एक मिनट। अरे ट्रोल नहीं कर रहा, स्क्रिप्ट निकाल रहा था, कुछ पॉइंट्स लिखा है मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। सॉरी हाँ, स्क्रिप्ट नहीं, ट्रोल नहीं। तो गाइस सबसे पहले तो यहाँ पर बात करेंगे हम लोग। आप लोगों ने देखा कैसे यहाँ पर चैलेंज कर दिया है किंग कोडी रोड्स ने ट्राइबल चीफ रोमन स्क्वाड रेसलमेनिया 40, जो कि मैंने कब बहुत पहले प्रिडिक्ट कर लिया था मेरे भाइयों, बहुत पहले, कि रेसलमेनिया 40 में किंग कोडी रोड्स अपना फिनिश करेगा स्टोरी। लोग मेरा बात सुनते ही नहीं है, लोग मुझे फॉलो करते ही नहीं है, गाली देते हैं मेरे को, चलो ठीक है कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि सिनेरियो आप लोग को अगर थोड़ा सा बताऊँ तो भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा था कि रॉक आया, नहीं इस पहले तो सेथ इंट्रोड्यूस किया कि आइए भैया किंग कोडी रोड्स, आइए अमेरिकन नाइटमेयर। तो भैया ट्राइबल चीफ को म्यूजिक बज गया, हम तभी समझ गया कुछ तो लोचा है बाबा, कुछ तो लोचा है, क्योंकि नाइटमेयर को बुलाया नहीं, और नाइटमेयर मतलब बुलाया और आया नहीं भाई, रोमन आ गया। रोमन आता है, फिर देन रॉक आता है, दो बड़ा मेजर स्टार आ चुका है यहाँ पे भाई। किंग कोडी रोड्स पीछे अभी भी नहीं आ रहा, हम मेरे को फिशी लग रहा था कि ये भाई किंग कोडी उसको नहीं बुला रहा, मतलब वो इतना बड़ा स्टार अभी कुछ तो एंगल है उसका। फिर क्या होता है कि रॉक चचा अपना पूरा ब्लड लाइन का एक ट्री दिखाता है, विच इज़ गुड, ब्लड लाइन का ट्री दिखाता है, एंड ब्लड लाइन की ट्री से ये बताता है कि भैया कि देखो इसके ग्रैंडफादर, मेरे ग्रैंडफादर, ये करके अपना पूरा फैमिली ड्रामा दिखाता है, मतलब विच इज़ गुड, विच इज़ वेरी सिनेमा, एकदम मस्त लग रहा था, मज़ा आ रहा था देख के। उसमें फिर वो बोलता है कि भैया हम लोग दोनों एकदम फाइट करेंगे ऐसे करके, मतलब दोनों हाथ मिलाता है, ब्रदर ब्रदर करता है और हाथ मिलाता है। हमको उस टाइम ऐसा लग रहा था कि देखो ये हाथ उत क्यों मिला रहा है लोग, चलो ठीक है फैमिली है तो हाथ उत मिला रहा है ठीक है, लेकिन इंडियन ये लोग फाइट करने वाला भाई। और दूसरी चीज़ की मैं इससे बोलना चाहूँगी, यहाँ पर कोडी रूट्स फिर आता है बाद में और बोलता है दिस इज बुल, बताइए आप लोग क्या बोल के चल जाता है। उसके बाद फिर वो बोलता है भैया कि हम रॉयल रंबल जीते हैं, यू डोंट टेक द शॉट, आई टेक द शॉट, और हम भैया चैलेंज करेंगे यहाँ पर ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को। भाई ये सुन के लिटरली बता रहा हूँ, सुबह का 5:30 बजे के आसपास शो चल रहा था ना, मैं कूद रहा था लिटरली, मैं बोला भैया ये क्या हो गया, मतलब ये मतलब आंखें तरस गई, कान तरस गई ये देखने के लिए, ये सुनने के लिए फाइनली भाई ट्राइबल चीफ को चैलेंज कर रहा भाई साहब, खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं समझ गया था कि भाई मेरे पे जितना भी ट्रोल्स बना है, लोगों ने मुझे ट्रोल किया, अरे क्लाउड है साला तू ये है वो है, ठीक है स्पेस पे ट्विटर स्पेस में आके लोग गाली दे रहे हैं, कमेंट में गाली दे रहे हैं, अभी भी दिखाऊंगा कमेंट तो मोए भाई क्लाउड में तुम्हारे से तो मोए हो गया सब किया। मैंने बोला ठीक है रुको जरा सबर करो, मेरा 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 यही चीज़ है, मैं किसी को जल्दी कुछ बोलता नहीं हूँ, वो है ना बैठा हुआ ऊपर वाला वो दिखता है सब, तो हम ना इधर बैठे हुए ठीक है भाई कर लो, तुम लोग मोए कर लो, तुम लोग रोए कर लो, जो कर रहा है कर लो, इन दी एंड क्या होगा तो तब देखेंगे। बस इन दी एंड होना यही था, किंग कोडी यहाँ पर ट्राइबल को चैलेंज कर दिया भाई, मज़ा आया इस चीज़ को देख के। अब बात आते हैं यहाँ पर, थोड़ा मैं लेंदी ले लिया, अब बात आते हैं यहाँ पर कि पॉइंट क्या है। बाद में इससे पहले बता दूँ कि मैं किसी भी रॉक रोमन फैंस किसी को भी ट्रोल नहीं करना चाहता, किसी को भी नहीं गाइज, यही मैं लोगों को फर्क दिखाना चाहता हूँ, मैं किसी को भी ट्रोल नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। आप लोगों ने जो भी मेरे को बोला एंड ऑल दैट, इट्स आवर पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स आवर ओपिनियन, मैं किसी को ट्रोल नहीं करता गाइस, ना मुझे कोई ट्रोल करने का शौक है, अदरवाइज आप लोगों को पता है मेरे पे कितना ज़्यादा ट्रोल्स बने, नहीं पता था ट्विटर में आके देखो, मेरे को लिटरली बहुत सारा ट्रोल बनाया गया मेरे फेस को लेके, मेरे वीडियो पे ट्रोल बना रहे हैं, मैंने रॉयल रंबल जो मैं जीता उसके रिएक्शन पे लोग वीडियो बना रहे हैं, उस पर ट्रोल किया मेरे को लोगों ने, ठीक है भाई ठीक है, मेरे नाम पर व्यूज़ छापना है कर लो, रीच लेना है मेरे नाम पर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं नहीं करने वाला ऐसा, बिकॉज यही तो फ़र्क है मुझ में और उनमें, मैं वैसा हुई नहीं, वही बात है, वी आर बेटर देन दिस, एब्सोल्यूट वी आर किंग कोडी फैंस, दैट्स व्हाई। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे अभी कि अब माजरा क्या है, आगे क्या फ्यूचर है। तो अकॉर्डिंग टू मी, मेरा एक थ्योरी है इस पर, अब सबसे बेस्ट केस सिनेरियो सुनो, जो लोग ये सोच रहे हैं भाई ऐसा क्यों, एक दो कमेंट देखा मैंने, लोग बोल रहे थे कि अरे भाई ऐसा क्यों, ऐसे टाइटल लेके क्या फ़ायदा है भाई ये वो एंड ऑल दैट। तो इसको लेकर हम बोलना चाहिए कुछ कि आप लोग सोचो, सबसे पहले तो भूल जाओ कि आप कोडी फैन हो, सबसे पहले तो भूल जाओ आप रोमन फैन हो, रॉक फैन हो, हटा दो सब फैन बेस को, सोचो कि आप हो WWE का बुकर, HHH की जगह आप हो, आपको करना है HHH, आपको करना है WWE का रेसलमेनिया बुक, रेसलमेनिया कोटेड रेसलमेनिया बुक करना एकदम ग्रैंडेस्ट, क्योंकि रीज़न ये है कि बैकग्राउंड में जो चल रहा है कचड़ागिरी, जैसे ब्रॉक लेसनर का सीन आप लोगों को पता है, विंस मैकमैन का सीन पता है आप लोगों को, जॉन लेना डैडिस जो भी नाम है पता चल रहा है, क्या स्कैंडल एंड ऑल दैट सीन हो रहा है, जिससे कि ब्रांड्स वगैरह का दिक्कत हो रहा है बहुत ज़्यादा, आप लोगों को पता ही है, मतलब WWE का कहानी एकदम ऑलमोस्ट खराब है, एकदम इमेज बहुत गंदा चल रहा है, ठीक है, इतना ग्लोबल कंपनी का। अब क्या करेगा एक बुकर,
तो एक सबसे बड़ा बात, एक नॉर्मल सच चीज सोचेंगे तो हेडलाइन करते हैं हम रॉक वर्सेस रोमन। एक बार हेडलाइन कर दिया रेसलमेनिया 40, रॉक वर्सेस रोमन हेडलाइंड, क्या होता? रॉक वर्सेस रोमन एक हम लोग को ड्रीम मैच देखने को मिल जाता, दैट्स इट, रॉक हॉलीवुड में पैकेट पहन के निकल लेता। लेकिन कोडी का क्या होता? कोडी नहीं है वो, सिर्फ वो किंग कोडी है। किंग कोडी की वो है फेस ऑफ द कंपनी, द राइजिंग स्टार। जो लोग ये बोलते हैं कि भाई वो नहीं है कुछ, तो यही मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि वो राइजिंग स्टार है। ये चीज़ को समझती क्यों नहीं आप लोग? वो राइजिंग स्टार है। अब एक फेस ऑफ द कंपनी आपका जो रोमनेंस है, ठीक है, अभी करंट, अब आपका राइजिंग फेस ऑफ द कंपनी जो है वो बन रहा है, जो ऑलमोस्ट बन गया है समझ लो, उसको आप एकदम से साइड नहीं कर सकते, ऊपर से उसको आप मजाक नहीं बना सकते, जोक नहीं बना सकते। तो ये लोग क्या किया, ट्रिपल एच क्या किया, बहुत एकदम सही किया। रोमन से रॉक अगर करा के एक बार ड्रीम मैच करा के खत्म हो जाता, कोडी का साइड कर देता, तो फिर कोडी को सेथ के साथ करा देता भाई, क्या कोई कोई मतलब ही नहीं बनता। ऊपर से सेथ वाला सीन बोलेंगे तो लोग बहुत बोल रहे थे कि कोडी वैसे सेथ होना चाहिए वर्ल्ड हेवेट चैंपियनशिप के लिए। भाई इतना गंदा बरी कर चुका है वो वर्ल्ड हेवेट चैंपियनशिप को रोमनिस खुद ही, और वो WWE ही करवाया उसका मुंह से। तो भैया इतना गंदा सेकेंडरी टाइटल कर दिया उसको, इतना गंदा उसको बरी कर दिया है, और रोमनिस बार बार बोल रहा है वैसे क्या लूजर ब्रैकेट टाइटल, यस बार बार यही बोल रहा है। तो उस पे भाई वो फेस ऑफ द कंपनी कैसे फिट बैठेगा, मेरे को तो दिमाग में सच में समझ में नहीं आ रहा था। मेरा इसीलिए दिमाग आउट हो रहा था कि भाई क्या कर रहे हो आप, अपना राइजिंग स्टार फेस ऑफ द कंपनी किंग कोडी रोड्स को यहाँ पे इतना ज़्यादा गंदा बुकिंग कैसे दे सकते हो? लोग हम बता रहे हैं, लोगों की मेंटेलिटी बता रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है। लोगों को इलाहाबाद मन में पता है, दिमाग में भी पता है इलाहाबाद कि भैया कोडी रोड्स के साथ यहाँ पर गलत हो रहा था, और कोडी रोड्स अगर ये वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनता तो वो ट्रोल्ड ही होता। लेकिन लोग क्या बोल रहे हैं, भाई वो रॉयल रंबल जीता है ना भाई, तो वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप ही तो मिल रहा ना भाई, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप ही तो चैंपियनशिप है। उन लोगों के दिल में पता है, उन लोग मन मन हंस रहे हैं कि भाई कोडी रोड्स तो साला सेकेंडरी टाइटल ही लेगा ना, अपना ट्राइबल चीफ तो अनडिस्प्यूटेड बैठा हुआ है। ये मेंटेलिटी मत रखो, ये मेंटेलिटी लोग रखे थे, ये मेंटेलिटी को मैं चेंज करना मांगता हूँ कि ऐसे मत सोचो। ये सोच के रखोगे तो भाई कैसे होगा, तुम तो हेटर वाला थिंकिंग में सोच रहे हो। और वैसे भी सोच कर हेटर तो है ही बहुत सारे किंग कोडी के, तो बोलना नहीं है। लेकिन अब यहाँ से सिनेरियो क्या आगे बढ़ता है, तो भैया अगर ऐसे देखेंगे बुकिंग के हिसाब से, अब हो रहा है क्या, कोडी आया रॉक को चैलेंज कर दिया, रोमन सॉरी कोडी आया रोमनेस को चैलेंज कर दे दी, मैं खुशी से ठिकाना नहीं है क्या करें। कोडी यहाँ पर आके रोमनेस को चैलेंज कर दिया, अब फिनिश द स्टोरी का टैगलाइन जो है वो कन्फर्म होगा, क्योंकि ये फिनिश द स्टोरी एक मजाक बन के रह गया, जो भी रियलिटी है, फैक्ट है, इस चीज़ को हम लोग को हमको भी एक्सेप्ट करना, और आप कोडी फैंस भी एक्सेप्ट करो। फिनिश द टैगलाइन जो है ये एक मजाक बन के रह गया था, इसको अगर और खींचा जाता तो इसका एक साल और मजाक बनता। जस्ट इमेजिन, जस्ट थिंक अबाउट इट, इसको और एक साल खींचेंगे तो कितना मजाक बनेगा। 2K24 का कवर स्टार है कोडी रोड्स, उसका टैगलाइन है गाइस ये फिनिश योर स्टोरी। आप सोचो ये अगर 2K24 का कवर स्टार बनने के बाद भी अगर ये फिनिश नहीं करता इस साल 40 रेसलमेनिया में, कितना गंदा मजाक बनता। ऊपर से और आगे सोचो, और आगे देखो तो रॉक, रोमन, कोडी, ये तीन कितना बड़ा नाम अभी है। और WWE भाई देखती है बिजनेस, तुम लोग को पता है, तुम लोग खुद बोलते हो ना दिस इज बिजनेस। जब रॉक वर्सेस रोमन हो रहा था सब मेरे को यही बोल रहा था, भाई दिस इज बिजनेस, दिस इज बिजनेस। कहाँ गए बिजनेस वाले, दिख नहीं रहे, क्योंकि वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे चीज फैक्ट को जो मैं तुम लोग को बताने वाला हूँ। बिजनेस यहाँ पे क्या है, रॉक वर्सेस रोमन होता है हेडलाइन रेसलमेनिया, एक बार खत्म, कुछ नहीं, पैसा कितना आया जो कि रेसलमेनिया तक खत्म। अब WWE के पास कितना अच्छा मोटा पैसा, और एकदम इसको खींच सकती है कैसे, रॉक वर्सेस रोमन का जगह अगर यहाँ पर कोडी वर्सेस रोमन होता है, कोडी करता है फिनिश अपना स्टोरी रेसलमेनिया में, अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन जाता है। लेकिन यहाँ पर रोमन क्या है कि बोलेगा भाई हम हेड ऑफ द टेबल है, हम ब्लड लाइन है। अभी आज जैसे हम लोगों ने देखा कि भाई समोन ट्री वगैरह पूरा दिखाया कि अशेम्ड ऑफ यू, कोडी बोल दिया कि तुम अशेम्ड, और कोडी का टैगलाइन याद करो, कोडी ने क्या बोला था, फिनिशिंग द स्टोरी को डिफाइन किया था कैसे कोडी स्मैकडाउन में, उस चीज़ को पॉइंट करो, क्योंकि वो कोडी नहीं WWE बुलवा रही थी उससे, तो WWE का स्क्रिप्ट वहां से समझो क्या था कि WWE बोलने मांग रही कि फिनिशिंग द स्टोरी जो लोग सोच रहे सिर्फ रोमन को हरा के टाइटल लेना है, दैट इज नॉट द थिंग। ये चीज़ है ही नहीं कभी भी, ऐसा WWE का स्क्रिप्ट है कि फिनिशिंग द स्टोरी का मतलब चैंपियनशिप लेना नहीं है सिर्फ रोमन से या रोमन को हरा के, क्योंकि उसके पास सच में कोई स्टोरी नहीं है। लोग यार बोलते हैं ना अरे कोडी के पास फिनिश स्टोरी, उसके बाद क्या, कुछ नहीं, सच में बुकिंग अगर नहीं है कुछ तो कुछ नहीं है, पॉइंट है, कुछ नहीं है। हम कल भी अलावा स्पेस में बोल रहे थे ट्विटर का कि भाई कोई बुकिंग होना चाहिए ना, अब हम लोग अभी से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कोडी हरा देगा, डिस्प्यूट चैंपियन बन जाएगा, उसके बाद क्या, लोग उसको हेट करते रहे, उसके बाद क्या, फिनिश द स्टोरी कर लेगा, उसके बाद क्या। फिनिश द स्टोरी करने वाला सीन जो है अब यहाँ पर बहुत मेक सेंस बनता है। सेंस किस लिए बनता है, अब अगर वो चैंपियन बनता है तो रोमन क्या, रोमन का दिमाग तो एक तो ऐसे दिमाग खराब हो जाएगा, लेकिन रॉक का सबसे ज़्यादा खराब होगा, क्योंकि रॉक ऐसे भी अभी मतलब बोल के गया कि भाई इसका फैमिली उगाली देना, मतलब मेरा फैमिली उगाली देना, इसके पापा को मेरे पापा को, इसका ग्रैंड फादर मेरे ग्रैंड फादर, इसका ब्लड लाइन मेरा ब्लड, मतलब हम लोग दोनों भाई है, फैमिली है, इसकी फैमिली मेरी फैमिली, वही बात।
तो यहाँ पर रॉक क्या रोल लेगा? रॉक बोलेगा, भाई तुम खुद को हेड ऑफ द टेबल बोलते हो, आर यू फ्रीकिंग सीरियस? और तुम कोडी से हार गए, तुमने अपनी फैमिली को डाउन किया है, तुमने अपनी फैमिली को मतलब नीचा दिखाया, लाइक जो कोडी ने वर्ड बोला ना, यू फील लाइक योर फादर विल बी अशेम्ड एंड ऑल दैट जो बोला ना, तो रॉक इसको इस तरह से पोर्ट्रे करेगा रोमन को। और फिर रॉक क्या है कि रोमन और रॉक का फिर यहाँ पर एंगल शुरू होगा। अब रोमन वर्सेस रॉक का एंगल समर स्लैम तक भी खींचेगा, पता ही आप लोगों को समर स्लैम का एंगल बन रहा है, और ये खींच सकता है रेसलमेनिया 41 में फिनाले ब्लड लाइन का। तो यहाँ पर WWE के पास दोनों हाथ में लड्डू है भाई। जब दो हाथ में लड्डू है मेरे पास बड़ा सा, तो हम भैया क्यों यहाँ पर छोटा सा भाई अंगूर से खुश होंगे? हम क्यों रॉक वर्सेस रोमन हेडलाइन करा के शांत कर देंगे और फिनिश द स्टोरी भी एक खराब हो जाएगा, मेरा एक जो राइजिंग स्टार है वो भी खराब हो जाएगा, और छोटा सा मार्केटिंग होगा एक बार के लिए बस रेसलमेनिया में 40 के बाद, उसके बाद कुछ नहीं होगा, और रहा मेरे पास कोडी के लिए कुछ बचा भी नहीं, तो वो क्यों कराएगी WWE? सिंपल सा बात है, यहाँ पर भाई मनी दिख रहा है कि रॉक वर्सेस रोमन अभी सिर्फ हाइप बिल्डअप करके इतना ब्रांड डील्स ये वो सब आ गया, अभी सिर्फ हाइप बिल्डअप है। देख रहे हो ना कितना प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्यून इन हुआ, लोग हल्ला कर रहे हैं, मतलब तुम समझ रहे हो मार्केट कितना बड़ा हो गया। सिर्फ रोमन से रॉक हेडलाइन हुआ भी नहीं, कन्फर्म ही नहीं हुआ, सिर्फ ये एंगल ऐसा बना, तो इसी में इतना कुछ हो गया। तो इससे तुम ये समझो कि रॉक वर्सेज रोमन को अभी बुक भी नहीं किया, इन लोगों ने उससे पैसा भी कमा लिया, कमाते देख रहे हो ट्रिपल एच के दिमाग देखो। रॉक वर्सेस रोमन बुक नहीं हुआ है, ऑफिशियल भी नहीं हो रहा रेसलमेनिया में, लेकिन रॉक का प्रेजेंस से कैसे ये लोग उसका हेडलाइन करा के कमा रहा है पैसा। इसी चीज को ये लोग, आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोगों को याद होगा नेटफ्लिक्स का डील साइन हुआ, आप लोगों को पता होगा, बार बार बोल रहा है इस चीज को, नेटफ्लिक्स का डील साइन हुआ है $5 बिलियन, ये मिलियन डॉलर कितना का, ठीक है पता ही होगा, मंडे नाइट रॉ उस पर ब्रॉडकास्ट होने वाला है, कब से? 2025 का जनवरी से। इस चीज को नोट कर, कोट करो। अब समझो हाँ, अब क्या है कंपनी के पास, इस साल का रेसलमेनिया तो निकल जाएगा भाई बहुत तगड़ा बुकिंग में, क्योंकि रॉक रोमन कोडी इसका भाई लोग हाइप ऐसा डेवलप कर दिया कि फाड़ के पैसा कमा लेगा। एक तो कोडी वर्सेस रोमन, रोमन को कोडी बीट करेगा, ऐसी मॉन्यूमेंटल हिस्ट्री बन जाएगा, ठीक है। फिर वहां से रॉक बिट्रे करने का एंगल भी एक लोग बोल रहे हैं, उसको भी मैं ऐड करता हूं मान लो, तो रॉक अगर बिट्रे भी करता है कोडी रोमन को, उससे भी उसका ब्लड लाइन एंगल बन जाएगा, और यहां से सेटअप होगा सीधा नेक्स्ट रेसलमेनिया के लिए 41 के लिए। तो यहां से WWE क्या करेगी भैया, दिखाई देखो ये रेसलमेनिया में हम लोगों ने भाई इतना बुकिंग कर दिया, भयंकर टाइप का पैसा कमा के छाप के दे दिया है कंपनी ब्रांड्स को, ठीक है। अब हम लोग नेटफ्लिक्स को बताएगा कि देखो भैया आपसे नेटफ्लिक्स हम लोग साइन किए हैं, ऑन द ऑर्डर सीन किए हैं, मंडे नाइट रॉ जो होने वाला साइन नेक्स्ट ईयर का रेसलमेनिया के लिए, अभी से हम आपको बुकिंग बता दे रहे क्या सीनारियो रहेगा, क्योंकि कोडी रोड्स स्मैकडाउन में जाने वाला सबको पता है, अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनेगा, कोडी रोड्स स्मैकडाउन में जाएगा, रोमन इसको मंडे नाइट रॉ में ले आ सकती है WWE, ठीक है, ये सोचना मत कि नहीं हो सकता, हो सकता रोमन इसको मंडे नाइट्रो में ले आएगी, क्योंकि नेटफ्लिक्स का डीन साइन है, तो हो सकता है कि बड़ा स्टार मंडे नाइट्रो में भी चाहिए। अभी सेथ उतना बड़ा स्टार नहीं है, आपको पता है सेथ को कितना गंदा बरी कि आज का तो तुम लोग देखे ही हो प्रेस कॉन्फ्रेंस, लिटरली जोक बना दिया सेथ रॉलिंस को, मतलब बहुत बुरा लग रहा है उसके लिए, बट फिर भी मंडे नाइट्रो में रोमन रेंस आ जाएगा, और आप लोग खुद सोचो कि रेसलमेनिया 41 को अभी से हेडलाइन कर देगा इतना तगड़ा, तो बस सोचो कितना ज़्यादा मतलब मोमेंटम है, पूरा ईयर लोग पूरा हाइप्ड रहेंगे इसके लिए कि भाई रॉक वर्सेस रोमन होने वाला है, लोगों को पहले से पता रहेगा, एडवांस बुक्ड। आप लोगों को बताओ जॉन सीना से रॉक भी इस तरह से एडवांस बुकिंग हुआ था, वंस इन अ लाइफ टाइम वाला जब पहला बार हुआ था, तो एडवांस बुकिंग से किस तरह से हाइप WWE करती है, पहले भी कर चुकी है। और एक दो पॉइंट मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, लोग ये बोल रहे थे कि अरे भाई डैनियल ब्रायन में ही है कोडी, सॉरी डैनियल ब्रायन बनना चाहता है कोडी, ये वो ऐसा करके ट्रिपल थ्रेट हो जाना चाहिए, वो तो ट्रिपल थ्रेट के लिए एग्री कर रहे थे। ट्रिपल थ्रेट इसीलिए नहीं होगा क्योंकि अगर ट्रिपल थ्रेड होता तो सेम वही सीनारियो बनेगा रेसलमेनिया 30 में हुआ था, और फिर आप अपना फेस ऑफ द कंपनी को कोडी रोड्स को डैनियल ब्रायन जैसा आर्क दोगे तो सब फिर वही बोलेंगे अरे तो सस्ता डैनियल ब्रायन बन गया है, ठीक है। तो यहां पर स्टोरी रिपीट नहीं करना चाहती WWE, मतलब रेसलमेनिया 30 में जो हुआ था डैनियल ब्रायन का इंप्लूट हुआ था, ट्रिपल थ्रेड बन गया था, तो ये सेम चीज सीनारियो WWE नहीं चाहती कि इस साल भी हो ऑब्वियसली, और ऊपर से उस टाइम तो विंस था और इस पर ट्रिपल एच है, ट्रिपल एच गोट हो सर, आप गोट हो, मतलब मान गए आपका थिंकिंग को, आपका लाइक थॉट को, लाइक द वे यू बुक इट मैन एब्सोल्युटली फेनोमिनल। यहां पर ऊपर की बात ये भी आती है कि WWE ने कितना इमोशनली हम लोगों के साथ खेला है, जस्ट इमेजिन, मतलब लोगों को कैसे दिखाया कि कोडी नहीं है रेसलमेनिया में, नहीं आ रहा है, ठीक है। और हाँ ये चीज हम क्लियर कर देते हैं, स्मैकडाउन ने बोला कोडी कि हम रॉक से बात किए हैं और हम तुमको चैलेंज करना चाहते हैं, तुमसे सब कुछ छीनना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन हम तुमसे इस मतलब रेसलमेनिया में नहीं, नॉट एट रेसलमेनिया, ऐसा बोला उन्होंने, लेकिन किस रेसलमेनिया ये नहीं बोला, बट ठीक है रेसलमेनिया बोला, चलो फिर भी समझ लो रेसलमेनिया। तो यहाँ पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में रॉक क्या आया, जो ब्लड लाइन का ट्री खोल के बैठ गया, उसमें अगर आप लोग ठीक से अभी भी जाकर सुनोगे तो बोलेगा दिस इज द मोस्ट डोमिनेंट रॉयल फैमिली इन द हिस्ट्री ऑफ रेसलिंग, यही बोला। आप बताओ कि डोमिनेंट तक ठीक है, वो भी तक ठीक है, वो सब सब ठीक है, ये रॉयल फैमिली किसका है,
रेसलिंग हैज मोर देन वन रॉयल फैमिली, कुछ याद आया? कुछ याद आया कौन करता है ये? किंग कोडी रोड्स का ये सबसे पहला लाइन है उसका थीम सॉन्ग का, रेस्टलिंग हैज मोर देन वन रॉयल फैमिली। उसका पूरा करियर है, इसका पूरा गिमिक, पूरा करियर है इस चीज को बनाने का कि भैया रेस्टलिंग में एक रॉयल फैमिली से भी ज्यादा है। और ब्लड लाइन अभी पता है कितना खतरनाक फैमिली है, ठीक है, फैमिली ड्रामा चल रहा है ना, लोग बोल रहे थे अरे फैमिली ड्रामा, तो भाई फैमिली ड्रामा तो है, तो इसीलिए कोडी रोड्स का यहाँ पर इनपुट होना भी एक फैमिली ड्रामा है। लोग बोल रहे थे अरे कोडी को डालना ब्लड लाइन में, ये फैमिली ड्रामा नहीं, फैमिली ड्रामा यहाँ पे ये चीज पॉइंट करता है क्योंकि रॉक ने अलाबाद खुद बोला और हील बन गया भाई रॉक, सबसे बड़ा बात। तो यहाँ पर जब ये फैमिली वाला एंगल लाया रॉक, बोला कि भैया यहाँ पर डोमिनेट और ये तो यही रॉयल फैमिली है ब्लड लाइन, तो जाके कोडी का भाई दिमाग घूम गया। देन कोडी एंटर्स, कोडी ने बोला भाई कि तुम लोग दोनों फैमिली फैमिली कर रहे हो, फैमिली तुम लोग क्या कर रहे हो, जे कहाँ है तुम लोग के साथ, तुम लोग तो गुंडा पाल के रखो, उसको फैमिली बोलते हो, जे कोई नजर नहीं आ रहा है, हाँ क्या गुंडा, मतलब ये क्या चल रहा है। तो भाई उसका कहना पॉइंट ऑफ व्यू भी सही था कि भाई फैमिली हम लोग बोल रहे हैं लोग, यहाँ पर ऐसा कोई एंगल नहीं है। अब आ रहा है यहाँ पर बात, हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो भाई यहाँ पर कितना इंटरेस्टिंगली, मतलब जिस तरह से भाई मतलब शेप लिया ना इस बार का रेसलमेनिया, भाई लिटरली बहुत ज़्यादा हाइप्ड है। लोग अभी भी ट्विस्ट एंड टर्न्स को बहुत लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रॉक बिट्रे कर देगा रोमन को, ये भी हो सकता है। मेरा थ्योरी ये बिट्रेल वाला भी है, मेरा थ्योरी ये भी है लेकिन कि अशेम्ड वाला सीन बहुत ज़्यादा होगा। मतलब रॉक ये बात बोलेगा कि भैया तुम मतलब डाउन की हो यार ब्लड लाइन का, मतलब तुम हेड ऑफ द टेबल खुद को बोल रहे हो, ठीक है, लेकिन तुमने बहुत गंदा किया, तुमने हार गया और जो डोमिनेंट फैमिली हम बता रहे थे उसको तुम रिप्रेजेंट कर रहे हो और इस तरह से तुम दूसरे फैमिली से हार रहे हो। मतलब कोडी रोड्स अपना फैमिली को प्रूव करना चाहता है कि रेसलिंग हैज मोर देन वन रॉयल फैमिली। उसका पूरा स्टोरी आर्क अब ये है, पहले क्या फिनिश द स्टोरी सिर्फ था, अब फिनिश द स्टोरी का आर्क से थोड़ा सा मतलब चेंज हो रहा है, वैरायटी आ रहा है इसमें कि इसको प्रूव करना है इस बार कि रेसलिंग हैज मोर देन वन रॉयल फैमिली, दैट इज द टैगलाइन ऑफ दिस ईयर्स मैचअप। अभी आप लोग एग्जांपल ले लो, पिछले साल जो हुआ था सेम मैच, अगर नॉर्मल एकदम नॉर्मल लेते हैं, ठीक है, एकदम नॉर्मल, रॉक नहीं आ रहा था, कोडी का रॉयल रंबल जीतता, कोडी रोमन इसको चैलेंज करता, इतना ज़्यादा बज क्रिएट होता नहीं होता, उतना ज़्यादा क्रिएट नहीं होता। रॉक का आना, इनपुट करना, ये कहीं ना कहीं ट्रिपल एच का भाई माइंडसेट एक नंबर, मतलब मैं बोलूंगा लिटरली। और बहुत लोग ये भी बोल रहे हैं कि भाई रॉक का वजह से, तो भाई लिटरली अगर मैं तो मैंने पहले बोला था अगर ये स्टोरी आर्क है तो मैं डेफिनेटली पब्लिकली अपोलोजाइज करूंगा भाई रॉक को, भाई रॉक को भी भाई सर आप खेल गए भाई, यू आर द गोट, रॉक भी गोट है गाइस, लिटरली मान गया रॉक को भाई। और सीधा सा बात है भाई रॉक भी भाई लिटरली दिस मैन इज समथिंग एल्स, रॉक ट्रिपल एच दे आर लाइक कुकिंग मैन, दे आर कुकिंग। मैंने बोला था पिछले बार, मैंने ट्विटर स्पेस में बोला था कि एक बंदे के पीछे एक स्टार को बनाने के लिए लगना पड़ता है। ट्राइबल चीफ बनने से पहले डब्ल्यू ने उसके पीछे लगा हुए थे, लगे हुए थे इसको स्टार बनाना, इसको स्टार बनाना। अगर डब्ल्यू लाइन पे जा रही है और कोडी रोड्स को सोच ली कि लगना है भाई इसको स्टार बनाना है, क्योंकि इतना बड़ा नाम रॉक आना, इस तरह से एंगल दिखाना, इतना बिगेस्ट बेबी फेस अभी बना देना, क्योंकि दो हील आप समझो कि यहाँ पर रॉक और रोमन दोनों एक टीम में एकदम है, ये लोग ऊपर से स्लैप भी मार दिया था कोडी को, तो इतना ज़्यादा मतलब डोमिनेट करेगा ना भाई रॉक और रोमन मिलके कोडी को एकदम नीचे दिखाएगा, दबाएगा, और उसके बाद जब वो शाइन करके भाई जीतेगा ना भाई यार क्या ही मॉन्यूमेंटल विक्ट्री होगा भाई किंग कोडी रोड्स का, प्रोक्लेम करेगा भाई अपना वो किंगडम जो उसका राइटफुल थ्रोन है उसका, वो लेगा एंड साथ ही साथ गाइस वो अनडिस्प्यूट चैंपियन बनेगा। और एक बात, लोग ये भी बोल रहे थे मेरे को अरे भाई कुछ भी है कोडी रोड्स तो फिर हारने वाला है ब्रो, यह वो सीरियसली थोड़ा सा मेंटालिटी चेंज करो और साइड रखो अपना भाई ईगो और अपना हेट को कोडी रोड्स के लिए। और एक चीज़ नोटिस करो, मैंने ये बात पहले ही बोला था, WWE 26 साल बाद कोई सुपरस्टार को रॉयल रंबल जिताई है, याद रखना वाला बात, 26 साल बाद कोई ऐसा सुपरस्टार जो बैक टू बैक रॉयल रंबल जीता है, और वो वैसा सुपरस्टार नहीं है कोई आ रहा सुपरस्टार, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन माई दोस्त, वैसा गहरा सुपरस्टार नहीं है, वो वैसा सुपरस्टार है जो WWE को बिजनेस ला के देता है। दो दिन का अंदर उसका जो क्लेम योर किंगडम वाला मर्चेंडाइज आया था, वो रॉक का, रोमन का, एल ए नाइट, वट एवर द नेम, सीएम पंक, आउटशाइन कर दिया, सबको ओवरशैडो कर दिया भाई, इतना खतरनाक टॉप सेलर, सोचो मर्चेंडाइज में कहाँ पहुँच गया, ठीक है। वो बंदा किंग कोडी रोड्स अपना टाइम देता है भाई, टाइम देता है वो, ठीक है, इज द बिगेस्ट फेवी फेस, ऐसी नहीं बोलता मैं, अपना टाइम देता है भाई डब्ल्यू को, पैशनेट है वो भाई, डार्क मैचेस करता है वो तो खैर लग कर रहे हैं भाई, वो बंदा मतलब मीट एंड ग्रीट में तो एकदम किंग है भाई अभी वो, क्योंकि वो मतलब रेसलिंग मतलब होता ना, रॉ खत्म हो गया, स्मैकडाउन खत्म हो गया, उसके बाद भी वो आधा घंटा 40 मिनट रुकता है सिर्फ फैंस लोग से मिलने के लिए, उन लोग से तो मिल रहा है, ऑटोग्राफ साइन कर रहा है, वो सब तो हो ही रहा है, एवरी रॉ एवरी स्मैकडाउन वो कर रहा है, ऐसा एक दो बार नहीं बता रहा हूँ, आप लोग देख लेना, आप लोग न्यूज़ मिल जाएगा, मैं झूठ बोल रहा तो, रुकता है, टाइम देता है, लोगों से मिलता है, ऑटोग्राफ देता है, साइन करता है, फोटोज़ खिंचाता है, ठीक है, मार्केट करता अपना प्रोडक्ट, जो डब्ल्यू है उसको प्रोडक्ट बोल रहे हैं, मार्केट करता है डब्ल्यू को किस तरह से, अपने आप को ब्रांड बिल्ड किया हुआ उस तरह का। दूसरा चीज़,
जो स्टाफ होते हैं, जिस तरह से कैमरामैन हो गए और भी हो गए, वो लोग की हेल्प करता है, ठीक है, वो लोग को सपोर्ट करता है, वो लोग से भी बात करता है, कुछ अगर इशू है तो हैंडल करता है। भाई आप समझो, वो बंदा कर रहा है, वो बहुत पैशनेट है इस चीज़ में, वो बंदा फेस ऑफ द कंपनी है। फेस ऑफ द कंपनी सिर्फ रेस्लर नहीं होते हैं, जो अच्छा रेस्लर करता है वो फेस ऑफ द कंपनी नहीं बनता गाइस, पूरा प्रोडक्ट को अपने कंधे में ढो के चलने वाला बंदा को बोलते हैं फेस ऑफ द कंपनी, जो जॉन सीना करता था गाइस। अब जॉन सीना के बाद ऐसा कोई बंदा आया है जो भाई इस लेवल का कर रहा है, भाई रोते हैं लोग, तुम लोगों ने देखा होगा अंकित ने ट्रोल किया था, रो रहे थे लिटरली लोग भाई कोडी रोड्स का, अगर ये जो स्पॉट छिन गया था इसके लिए, लोग कितना हार्ट से पसंद करते हैं उसको, कितना कनेक्ट होते हैं उससे, इस चीज़ को समझो, ये इमोशन बहुत इंपॉर्टेंट है एक फेस सुपरस्टार से। रोमनेस कहीं ना कहीं यही चीज़ लैक करता था, इसीलिए आज वो ट्राइबल चीफ बना, आज वो हील टर्न में आया, वरना रोमनेस अगर फेस पे इतना अच्छा कनेक्ट करता ऑडियंस, अगर उसको ऑडियंस बू नहीं करती और उसको ऑडियंस पसंद करती, तो रोमनेस हम लोग को ट्राइबल चीफ हील टर्न करते वो कभी देखने को नहीं मिलता। जिस चीज़ में आज कोडी रोड सक्सेसफुल है, उस चीज़ में रोमनेस फेल हुआ था, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा हम लोगों को। मैंने बात ट्विटर पर भी बोला था, नो हेट टू रोमन, नो हेट टू रॉक, किसी को हेट नहीं है, लेकिन इस चीज़ को आप लोग थोड़ा समझो, ईगो को साइड रख के, कि किंग कोडी रोड्स अभी लिटरली भाई एकदम अलग लेवल पे उसको बुक कर रही है डब्ल्यू वाली। हमने बोल रहे कि कोडी रोड्स अभी अलग लेवल पे पहुंच गया है, बुक करना शुरू की है, सीट्स बिल्ड कर दी है डब्ल्यू। और आप लोग को याद होगा, मैं एक बात और बोलना चाहूँगा, रॉक खुद बोला था इलाहाबाद, अभी भी इंटरव्यू है यूट्यूब में देख लेना, रॉक ने खुद बोला था जब भी रॉक वर्सेज रोमनेंस होगा, इट इज़ नॉट द एंडिंग, इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ समथिंग बिग, एंड दैट बिग इज किंग कोडी रोड्स। और साथ ही साथ, और मतलब एंड, रोमन वर्सेज रॉक का बिगेस्ट मैच इन द हिस्ट्री ऑफ WWE, विच आई विल वेरी एक्साइटेड टू सी एट WrestleMania 41। थैंक यू गाइज, यही था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। आप लोगों को कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर कुछ पॉइंट्स है कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं कमेंट आप लोगों का सबका रिप्लाई दूंगा, पढ़ूंगा। एंड यस, एंड गाइज, हाँ एक चीज, अरे सॉरी मैं बताना भूल गया, आज रात को ठीक कितना बज रहा है, आज रात को ठीक 9 बजे गाइज ट्विटर स्पेस होने वाला है, बहुत सारे डिबेट्स होंगे, क्लाउड होंगे, मैं होंगे क्लाउड होंगे, नयन भाई होंगे, रोहन भाई होंगे हमारे, अंकित भाई होंगे, और हमारे करण भाई होंगे, जय भाई होंगे, रीरेसल प्रो सब भाई हैं हम लोग, और बहुत सारी ऑडियंस आने वाली है, तो डेफिनेटली वो अंकित भाई की आईडी से ही होगा, लेकिन आप लोग मेरा प्रोफाइल में आ जाओगे तो मेरा अकाउंट में आप लोगों को डायरेक्ट मैं वहाँ पर पोस्ट कर दूंगा, जैसे ही मैं जाऊँगा तो आप लोगों को डायरेक्ट मिल जाएगा, आपको अंकित भाई का जाने की जरूरत नहीं, अगर आप लोग अंकित भाई का जाने तो जा सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ट्विटर का लिंक आप लोगों को यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ, आप लोगों को मतलब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ट्विटर का लिंक, जाओ वहाँ पर या कमेंट कर दूंगा पिन में, वहाँ पर ट्विटर का लिंक मिल जाएगा, मेरे को फॉलो कर लो, बिकॉज 1000 होने वाला मेरा वहाँ पे भी। एंड आज का ट्विटर स्पेस एकदम मिस मत करना, क्योंकि भाई लिटरली बता रहा हूँ, लिटरली बोल रहा हूँ गाइज, मैं रो रहे हैं लोग, मतलब रॉक के फैंस लोग रो रहे हैं, अंकित का तो भाई हालत ख़राब हुई है, लिटरली मैं बता रहा हूँ, अंकित और नयन भाई लोग तो पूरा ट्रोल हो रहे हैं गंदा वाला, लेकिन मैं उन लोगों को ट्रोल नहीं करूँगा, मैंने पहले ही बोला मैं ट्रोल नहीं करूँगा, मैं तो आज भाई रिलैक्स हूँ एकदम, मैं एकदम क्या बोलूँ, मैं एकदम साइलेंस हूँ भाई, मैंने बोला था पहले भी अलावा गाइज, मैं ऑलवेज बोलता था भाई, माई एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, मेरे को जरूरत नहीं है गाइस बोलने का, मेरे को तो लोग गाली दे के चले गए थे गाइस, मेरे को तो लोग गाली दिए, मतलब स्मैकडाउन में सिर्फ बता रहा हूँ, स्मैकडाउन में सिर्फ ये हुआ था कि रोमन वर्सेस रॉक का सिर्फ फेस ऑफ हुआ था, तो लोग बोले थे कि इसकी माँ बहन कर देंगे क्लाउड की, लिटरली बता रहा हूँ, लोग ने ऐसा बोला इसकी ये कर देंगे उसकी ये कर देंगे, और भी कुछ कुछ बोला लोगों ने कि ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, और तो गाली उली दिया, अरे कल के ट्विटर स्पेस में आके गाली देके जा रहा था भाई, अरे सॉले क्लाउड तेरा छोड़ेंगे तेरे को, अरे बैठा है गाइस, लिटरली बता रहा हूँ, लोग बहुत हीटअप हो चुके हैं, लेकिन तेरा भाई क्लाउड चिल रहता है, आप लोगों को पता ही है, मैं थोड़ा सा बुरा लग गया था मेरे को किसी के लिए, क्योंकि मैं मेरा बस इतना है कि मेरे अगर सब्सक्राइबर अगर मेरे को कुछ बोल देते तो मेरे को थोड़ा लग जाता, बिकॉज मैंने गाइस सेथ रॉलिंस का ही कंपैरिजन दूंगा कि भाई मैंने 2 साल लिटरली अपना पूरा टाइम दिया है यूट्यूब में और आप लोग इंटरटेन करने के लिए, आप लोगों को याद ही होगा मैं डबल ड्यूटी करता था, स्ट्रीम दोपहर में भी करता था, रात को ही करता था, आप लोगों को याद ही होगा, मैंने अपना पूरा 100% या 200% दिया आप लोगों को इंटरटेन करने के लिए, और अगर आप लोगों से मैं थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन रखता हूँ कि आप लोग मेरे को थोड़ा सपोर्ट करो, नॉट ओनली मुझे सब्सक्राइब करके, एटलीस्ट इतना कि हाँ क्लाउड मतलब बंदा ख़राब नहीं है इतना, या उसको एटलीस्ट मेरे को रेस्पेक्ट कर लो, इतना कर सकते हो तो ठीक है, और कोई बात नहीं, मैं किसी को फोर्स नहीं करता भाई, आप सबका अपना अपना ओपिनियन है, किसी को बुरा लगा मेरा बात का तो सॉरी, ठीक है, रोमन वर्सेस कोडी होगा, अगर कोडी हार भी जाता है तो ठीक है, कोई नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, और अगर कोडी जीतता है तो भी कोई इतना हेट कर रहे हैं जरूरत नहीं है उसको, ठीक है, इस जस्ट अ रेस्लिंग गाइज, आप लोग इतना सीरियसली मत लिया करो, जस्ट अ रेस्लिंग, हम लोग भी कैफे में बात करते हैं, इन्जॉय करते हैं, चिल करते हैं ट्विटर में, आप लोग इतना सीरियस हो जाते हो, हम क्या बोले, और ठीक है तब तक के लिए मिलता हूँ गाइस, इसके लॉट सनी, लव यू ऑल, पीस आउट, अगर थोड़ा लंबा लगा भाषण तो माफ़ कर देना, 24-25 मिनट का वीडियो बना दिया, बिकॉज बहुत दिन से बनाया नहीं था, तो चलता हूँ गाइस, 9 बजे आना मत भूलना, बहुत ज़्यादा बातें होंगी वहाँ पे, बहुत ज़्यादा।